हाय हाय शार्क्स, मैं एक सामान्य नागरिक, मैं एक जागरूक नागरिक। ओफो, दिवाली सर पर है और पूरा स्टोर कूड़े से भरा है। चलो कुछ कूड़ा हटाया जाए। ये न्यूज़पेपर अब तो किसी काम का ही नहीं। ये एक टेबल ऑर्गेनाइजर है, क्या आपको पता है ये न्यूज़पेपर पेपर रोलिंग से बना हुआ है? ये साइकिल की चेन टूट गई है, अब किसी काम की नहीं। आज मैंने स्क्रैपशाला से ये की होल्डर खरीदा, क्या आपको पता है इसके हुक्स पुरानी मोटरबाइक और साइकिल की चेन से बने हुए हैं? अब इस कैसेट का तो जमाना ही नहीं रहा, अब इनको तो फेंक ही दिया जाए। ये घाट्स ऑफ बनारस की पेंटिंग ये लकड़ी पे नहीं ऑडियो कैसेट्स के बेस पे बनी है। मैं मधु शाह, ये मेरी बेटी शिखा शाह। नमस्ते शाक्स, हम बनारस से हैं। CPCB के डेटा के अनुसार मुंबई में हर रोज 7 लाख किलो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है। इसका 90% सीधे कचरे के ढेर में जाता है। स्क्रैपशाला अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से इस बढ़ते हुए कचरे के ढेर को कम करने की एक खूबसूरत पहल है। हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इस्तेमाल होम डेकोर, लाइफस्टाइल और गिफ्टिंग में किया जा सकता है। जैसे कि ये इको ब्रिक से बना टेबल और स्टूल, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स 15 किलो सिंगल वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है। स्क्रैपशाला के सारे प्रोडक्ट्स कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए गए होते हैं, जो बनारस के आसपास ही स्थित हैं। घर की बालकनी से एक बड़ा वर्कशॉप, एक आर्टिसन से 15 आर्टिसन्स, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट डिज़ाइंस, 5,000 से ज़्यादा कस्टमर, बनारस से पूरे भारत में ऑर्डर्स और बहुत सारे स्ट्रेंजर्स का सपोर्ट। 2016 से 2021 की जर्नी ने स्क्रैपशाला को एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से एक लहर बनाया है, जो अपसाइक्लिंग को एक ऑर्गेनाइज तरीके से भारत के हर कोने में ले जाने के लिए अब तैयार है। आज हम स्क्रैपशाला के लिए 50 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं 10% इक्विटी के बदले में। शिव की जान है काशी, स्क्रैपशाला की पहचान है काशी। कला के माध्यम से हम देश के वेस्ट को घटाएंगे, महिलाओं को हुनर सिखाकर उनका आत्मबल बढ़ाएंगे। अब कौन सा शार्क आएगा जो हमारे साथ जुड़ जाएगा और हमारा प्राउड सपोर्टर कहलाएगा। बहुत खूब, इतनी अच्छी कविता। क्या कविता है, थैंक यू, बहुत सुंदर। बिल्कुल मेरी मम्मी की याद आ रही है। आपने खुद कविता लिखी है? मैं पोएट भी हूँ, मेरी एक बुक भी निकल चुकी है। वाओ। वाओ। मम्मी ने मेरे को कंडीशन ही रखी थी, मैं शार्क टैंक में तभी तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे को पोएम पढ़ने दोगी तब। ओह हाउ स्वीट। मेरी मम्मी भी कविता लिखती है और उनकी भी एक किताब निकल चुकी है। बड़ा अच्छा लगा सुनके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आई थिंक बहुत रेयर है एक माँ बेटी की जोड़ी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो हाउ इज इट लाइक आपके लिए वर्किंग टुगेदर, एंड आपने क्यों एक साथ स्टार्ट किया, आप कैसे ये डिसाइड हुआ? मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक शौक दिया था, पुरानी चीज़ों से नया बनाना। इसी शौक को लेकर मैं आगे पली बढ़ी। मुझे एक प्लास्टिक की बोतल कूड़े में फेंकने की बजाय कुछ बनाती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने देश में एक कूड़े को बचा लिया। ऐसे करते करते मैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाने लगी। जब शिखा चेन्नई IIT में थी, मैं रोज़ उसको फोटोग्राफ्स डालती। इसने मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाया और आज ये इतना स्टैंड कर गया है, देश नहीं विदेश में भी इसकी एक अपनी पहचान बनती जा रही है। तो आप दोनों ने 2016 में ये स्टार्ट किया और आप IIT मद्रास इंजीनियरिंग के लिए गई थी? नहीं, मैं वहाँ पे इंक्यूबेशन सेल RTBI रूरल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर में अपने एक आइडिया को एग्जीक्यूट कर रही थी। जब मैं वापस आई 2016 में, तब हमने घर की बालकनी में अपने पहले पेंटर को बिठाया और हमने कुछ बियर बॉटल्स को पेंट कराया। बनारस फेमस है टूरिज्म के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे कैफेज़ हैं जो काफ़ी हाई एंड है, तो हमने उनको ये बॉटल्स फ्री में दी और हमने कहा कि आप अपनी प्लास्टिक बॉटल्स रिप्लेस करो। तो हमें पहले 10 दिन में इतने ऑर्डर्स आए कि हमें एक्चुअली एक आर्टिसन और रखना पड़ा। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। दिस इज जस्ट टू शो द क्वालिटी, एंड हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैंड पेंटेड हैं। This is a pen stand. Captain America and Hulk. Oh wow, it's heavy.
ये कीबोर्ड जर्नलिस्ट है, यू कैन चेक दिस आल्सो। ये आपने पोस्टर्स बनाए हैं। सही रिक्लेम्ड पाइन वुड है। ये विनीता मैम का कोट है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। सो वी हैव डन अ की होल्डर। वेरी गुड। आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है? ओके, आई विल डेफिनेटली पिक दिस अप एंड दिस वन। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू। शिखा एक बात बताएं, 5 साल से आप बिजनेस की तरह कर रही हैं इसको? जी 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 जी। पिछले साल में आपने क्या सेल्स की? 27 लाख। थैंक यू। आप इसको एक वेबसाइट की तरह क्यों रन कर रही हैं? उसमें ट्रैफिक लाना पड़ता है, अमेज़न जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक है वहाँ पे आप एक स्टोर फ्रंट की तरह इसको क्यों नहीं चलाती? वो चीपर नहीं पड़ेगा आपको पर कस्टमर? अभी जो हम सेल्स कर रहे हैं बनारस में, हमने 2020 अक्टूबर में अपनी फर्स्ट अपसाइकल्ड रिटेल स्टोर खोली, जो पूरा स्टोर भी अपसाइकल्ड है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, हमारे आर्टिसंस ने ही बनाया है स्टोर को। हमारी ई कॉमर्स भी हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट की है, इसके पहले हम फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे थे, बिकॉज हमें पता था कि हम खुद की वेबसाइट शुरू करेंगे तो ट्रैफिक नहीं आएगा। तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में सीखने मिला था कि एकदम से बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करना है, लीन तरीके से चलना है। तो वी ऑलवेज रन द बिजनेस इन अ वेरी लीन। वी बैक कोविड में भी हमने कोई लॉसेज नहीं की, हमें किसी आर्टिसंस को निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि बिजनेस इतना लीन था कि सर्वाइव करना बहुत ईजी था। हम बॉम्बे दिल्ली जैसी जगह पे एक रिटेल आउटलेट खोलना चाहते हैं जहाँ पे लोग फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकें, एडुकेट हो सकें। अगर आप ऑनलाइन हो तो बड़ी सिटी में चलने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन से ही ट्रैफिक आ जाएगा आपको, बड़ी सिटी से भी आ जाएगा। हाँ सर, बट इट्स नॉट अ कॉमन प्रोडक्ट। जब आप किसी को बोलते हो कि वेस्ट से अपसाइकल हुआ है तो वो नेगेटिविटी पहले ही आ जाती है प्रोडक्ट को लेकर। या। तो जब वो एक्सपीरियंस करेंगे इसको टच करके कि क्या डिफरेंस है, देन वो मार्केट में पुल आएगा। तो आप इसको प्रोनाउंस क्यों कर रही हैं आपका अपना नाम स्क्रैपशाला रखकर? सर फर्स्ट 2016 में इसी को ब्रांड नेम रखा था, तो एज सच कभी चेंज नहीं। लेकिन आप समझ रहे हैं अभी वीकनेस बन रही है वो? नहीं, बट अनुपम मुझे नहीं लगता ये वीकनेस है। आजकल पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स इज व्हाट एवरीवन लाइक्स, एंड आप जब बताते हैं कि आपने स्क्रैप से इतनी सुंदर चीजें बनाई है, तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, गर्व की बात है। तो आई डोंट थिंक इट हैज अ नेगेटिव। आई थिंक पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कॉलिंग योर ब्रांड स्क्रैप। स्क्रैप शाला मतलब आप स्क्रैप से सुंदर चीजें बना रही है और उसके लिए आपके पास एक शाला है। चलो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। या शिखा, जो चैलेंज क्या होता है कि अगर इंस्टाग्राम जहाँ से आप सबसे ज्यादा स्केल कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम में कंज्यूमर मुझे लगता है क्यों कन्वर्ट हो रहे होंगे, जब आपकी वो जो येलो प्लेट यू नो वो ब्लू बॉटल उनकी पिक्चर्स देखते हैं तो बहुत टेम्पटिंग लगता है। Correct. तो वो यू नो शॉप करते हैं। Correct. अभी जब जितना आप स्केल करेंगे लोग अच्छी प्रोडक्ट, गुड लुकिंग प्रोडक्ट एट गुड प्राइस चाहेंगे। नाउ जब अपसाइक्लिंग का चैलेंज ये होता है कि अपसाइक्लिंग में इफेक्टिवली बनाने की कॉस्ट एक यू नो नॉन अपसाइकल्ड प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाती है, बिकॉज वर्क ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात। तो कंपीटिंग विद नॉन अपसाइक्लिंग पीपल बिकम्स अ चैलेंज, बिकॉज आपके मार्जिन उनसे कम हो जाते हैं, और जब मार्जिन कम होते हैं तो आप मार्केटिंग में नहीं डाल सकते, आप इतने एड्स नहीं रन कर सकते। तो बिजनेस में स्केल में ये चैलेंज होता है हमारे ये अपसाइक्लिंग एंगल का। मुझे ये बिजनेस स्केलेबल नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। Best of luck and I would personally be happy to help out in any way with the business. ये थोड़ा सा tough business है, but ये बहुत अच्छा काम है। मेरे को ना you know बुरा भी लग रहा है मना करते हुए, but I am out of this, मधु जी। I will not be able to partner with you on this growth journey. So all the best from my side. Thank you, sir. मेरे को ये लगता है कि आपका ये जो business है इसको एक artisanal बिजनेस बोलें या एक बुटीक बिजनेस बोलें, हर पीस अलग है और आपको हर चीज़ को बेचने में एक एफर्ट लगे, तो आप अगर इसको एग्जीबिशन में लगाएं तो हो सकता है बिक जाए, फ्ली मार्केट में लगाएं तो बिक जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इसको ऑनलाइन लिस्ट कर दिया तो वो उसी सेम स्पीड से बिकेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पैसा डाल के आपका स्केल भी आ जाएगा। ओके तो इस कारण से एटलीस्ट मेरे को नहीं लगता कि उस एक इन्वेस्टेबल बिजनेस है, इसलिए मैं भी आऊँ। मधु जी एंड शिखा, मैं कब से आपके प्रोडक्ट्स को देख रही हूँ और ऐसा मुझे कोई डिफरेंशिएटर या कोई अनोखी या अलग बात ऐसे जंप करके नहीं आ रही है कि हाँ ये कुछ अलग है। मार्केट इतना क्लटर्ड है, भरे पड़े प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्क्रैप, एंड फॉर दैट रीजन आई एम सॉरी आई एम आउट।
इन्वेस्टर जब आ जाता है ना, वो खाली दोस्ती यारी में नहीं आता है, वो डिमांड करता है कि इसका इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न हो जाए। तो मुझे लगता है वो स्टेज पे अभी तक आप हो नहीं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा आज। आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा। बट फिर से कहता हूँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट शिखा एंड मधु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन टू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।